नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। भाजपा ने 4 राज्यों में अध्यक्ष बदले। पंजाब में कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को कमान। शहबाज के सामने बोले मोदी, कुछ देशों की आतंक नीति, हम निर्णायक जंग लड़ेंगे। अजीत शरद ने बुलाई समर्थकों की अहम बैठक। चाचा या भतीजा, कौन पवार ज्यादा दमदार, दोनों का शक्ति प्रदर्शन आज। प्रदेश में ऐसा पहली बार, निजी अस्पतालों में फेलोशिप कर सकेंगे मेडिकल छात्र। अजीत आगरकर टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता नियुक्त। मुंबई आगरा हाईवे पर महाराष्ट्र सीमा के पलासनेर में हादसा, ट्राले के ब्रेक फेल, ढाबे में पलटा, 9 की मौत। सीधी में भाजपा कार्यकर्ता ने आदिवासी युवक पर पेशाब की, सीएम बोले NSA लगाएं। फ्रांस में घर घर तलाशी हमले के आरोप में 12 साल तक के लड़कों को हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जातियों के दोबारा वर्गीकरण की मांग खारिज, याचिकाकर्ता पर जुर्माना। पाकिस्तान में इस साल 6 महीने में आतंकी हमले गुण 80% बढ़े, 398 लोगों की जान गई। मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक। तालिबान ने ब्यूटी पार्लर बंद कराए, महिलाएं बोली अब घर कैसे चलेगा। अमेरिका में 100 दिन में दूसरी बार भारतीय कौंसुलेट पर हमला, 3 देशों में हमारे राजनयिकों की धमकी दी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।